नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीएस अंकल खान सिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है पब्लिक? देन लेट गेट स्टार्टेड। एज यूजुअल नया दिन नई शुरुआत, एंड इस बार तो है नया चैप्टर। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, मतलब तारीफ करूं क्या इसकी जिसने इस चैप्टर को बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स, जब ये 38 मार्क्स तब ये 40 मार्क्स के लिए बैक टू बैक पूछा गया है। जी हाँ, तो अब मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जब इंडिया टूर किया था हम लोग ने, तो फर्स्ट चैप्टर, अभी इंडिया टूर किया था, एक दिन का था मेरा, एक ही दिन में मेरे को तो मैक्सिमम कवरेज करना था। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने करवाया था वो ये चैप्टर करवाया था। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर अटेम्प्ट में 15-20 मार्क तो आना ही आना है। मतलब कितनी बार 20-20 मार्क के फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 20-20 में क्वेश्चन आ गए हैं। सो जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, सो सर माहौल बना रहे हो इस चैप्टर के लिए? यस, व्हाई नॉट, ये चैप्टर डिजर्व भी करता है। तो सर ये चैप्टर थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? फ्रेंकली स्पीकिंग ये एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में फॉल करता है ये वाला चैप्टर। सो इसमें थ्योरी भी है काफी सारी, इसमें प्रैक्टिकल भी है काफी सारा। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर बैलेंस्ड। सर एग्जाम में भी बैलेंस आता है, थ्योरी क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कनेक्टेड थ्योरी आएगा। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है थ्योरी, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल, सबका बैलेंस लेके ये चैप्टर चलता है। ऑलराइट गाइस, तो चलो लेट द गेम बिगिन। ओके, एंड ये सबके जो भी ये चैप्टर्स है, अभी अपन लोग थ्योरी क्या करने वाले हैं स्पेशली, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को याद रखना। ठीक है ना, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर देन इन दैट केस एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कैसे अपन लोग उसको याद रखेंगे, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बट उसके लिए प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, जो भी चैप्टर में थ्योरी है, मेजर थ्योरी आप लोग को ऑन द टिप ऑफ द टंग होगा, ये मेरा गारंटी है। इस चीज के लिए आप टेंशन ही मत लेना। ठीक है, सो बी रेडी फॉर इट एंड लेट द गेम बिगिन। तो मेरे को सब लोग से पहले जानना है, अभी तुम लोग थोड़ा शॉर्टकट कीज और वो सब यूज करना चालू कर दो। अब अगर लाइव फेस टू फेस बैच होता तो मैं तुम लोग को पूछता, तुम लोग जवाब देते, मैं सुनता, एंड इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। बट नंदलेस यहाँ पे टाइप करके थोड़ा तुम लोग फील ले लेना उस चीज का। एंड जितना तुम लोग अपना टाइपिंग रखोगे एक्टिव, सपोज तुम गूगल ड्राइव वाले हो तो कहीं पे लिखते जाओ जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब देना। इवन दो आई कैन नॉट लिसन टू यू, बट फिर भी प्लीज आंसर देना। सबकॉन्शियसली चीजें तुम लोग की सेट होती जाएगी एंड इट विल रियली बी वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज थ्योरी तभी याद होती है जब इंसान उसको समझ के बार बार बोलता है। समझाना मेरा काम है, एक एक चीज लॉजिकली आप लोग को समझा दूंगा, दिमाग में सेट करवा दूंगा, वो मेरा काम है। ठीक है, बट याद रखने के लिए उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लास में अपन लोग बार बार रिवाइज कर लेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी कम्युनिकेटिव, कोऑपरेटिव, तब ये चीज हो पाएगा। ऑलराइट गाइस, तो चलो ऑन दैट नोट कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एंड चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का, बोलो बोलो चल चल। चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस चैप्टर अबाउट? ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजर करना है एंड इवैल्यूएट करना है। तो आपका सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि सर किसके परफॉर्मेंस को मेजर में और इवैल्यूएट करना है? तो यहाँ पे दो लोग हैं जिसके परफॉर्मेंस को मेजर एंड इवैल्यूएट करना है, पूछो कौन? तो इन दो लोगों का नाम है, एक कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर एंड इवैल्यूएट करना है और दूसरा है एम्प्लॉइज, इनके परफॉर्मेंस को मेजर एंड इवैल्यूएट करना है। एवरीबॉडी, किसके परफॉर्मेंस को मेजरमेंट एंड इवैल्यूएट करना है? दो लोग हैं यहाँ पे जिसके परफॉर्मेंस को मेजर एंड इवैल्यूएट करना है, मेरे को बोलो बोलो चल चल। एक है सर, एक है कि अपने को कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर एंड इवैल्यूएट करना है सर, और दूसरा है एम्प्लॉय। एब्सोल्युटली करेक्ट, दूसरा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के
परफॉर्मेंस को मेजर एंड इवेल्युएट करना है. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर. सो कंपनी है, एम्प्लॉय है, इन दोनों के परफॉर्मेंस को मेजर एंड इवेल्युएट करना है. अब अगर मेरे को इन दोनों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, देन इन दैट केस मुझे कुछ तो भी फैक्टर्स की जरूरत लगेगी, मुझे कुछ तो भी फैक्टर्स की जरूरत लगेगी. सो यहां पे आई विल यूज टू मेजर फैक्टर्स टू इवेल्युएट देम. मैं यूज करूंगा फाइनेंशियल फैक्टर्स. जी हाँ, मैं यूज करूंगा फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड दूसरा मैं यूज करूंगा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों के साथ अभी एक एग्जाम्पल लेता हूं. आज की तारीख में मेरे को अगर डिसाइड करना है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट के क्या बैरोमीटर है, इंस्टीट्यूट किस बेसिस पे डिसाइड करती है कि यस यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू शुड नॉट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप क्वालिफाइड है टू बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या आप अनक्वालिफाइड है? नेहा सिंघानिया पूछ रही है, सब लिखना है अभी नहीं, मैं बोलूंगा तभी लिखना है, बट यस जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखेंगे अपन. अभी फिलहाल मेरे साथ कोऑपरेट करते जाओ, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते जाओ, दैट वुड रियली बी मोर इम्पोर्टेंट. हर्ष कुकरेजा बोल रहा है सर्टिफिकेट एंड मेंबरशिप नंबर, तुझे सर्टिफिकेट एंड मेंबरशिप नंबर कब मिलेगा बोलो? कैन आई से एग्जाम क्लियर करना पे, एग्जाम तू कैसे क्लियर करेगा? कैन आई से मार्क्स के बेसिस पे 800 में से 400 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है इंस्टीट्यूट ने, पास पास अगर आ गया बस आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, है कि नहीं? बस सब में 40 प्लस आ जाए, एग्रीगेट 50 के ऊपर आ जाए, आपको डिग्री मिल जाएगी. जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो है कि सर मेरे को सीए की डिग्री चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा सीए का. सीए के एग्जाम में जितना मार्क्स है उतना लेकर आओ और आपको सीए का डिग्री मिल गया. बट क्या आपको लगता है कि खाली मार्क्स क्राइटेरिया होना चाहिए एक आदमी को चार्टर्ड अकाउंटेंट डिक्लेयर करने के लिए? सोच समझ के बताओ, क्या आपको लगता है कि खाली या हर्ष लिख रहा है आ सुकून आई स्वेर, जिस दिन वो क्या बोलू छोड़ो, जिस दिन वो 400 out of 800 दिखता है ना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ना, ठीक है ना? मतलब मुझे तो अभी भी याद है मेरा रिजल्ट, आई एम श्योर आप लोग भी याद रखोगे जो इस दिन आएगा, ठीक है ना? लिटरली आपके और पूरे घर के खुशी के आंसू अगर आपको देखने हो ना, उस दिन देखना जिस दिन आपके नाम के आगे सीए लगेगा. अल्टीमेट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल क्राई, एटलीस्ट आई डिड, बिकॉज एक इमोशनल मोमेंट होता है और इतना मेहनत किया होता है 4-5 साल के, कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ना इमोशंस में बाहर. एंड बोलते हैं ना टीयर्स इज वॉट इट कम्स आउट विद, मतलब वो पूरे 5 साल आर्टिकलशिप, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, फाइनल, फाइनल की मेहनत, सैक्रिफाइसेस, सब आप लोग को एक साथ याद आ जाएगा, आपके पेरेंट्स को एक साथ याद आ जाएगा. क्या बताऊं, सो इट्स सच अ डिफरेंट फीलिंग. आप रोए थे, स्मृति पूछ रही है अरे मतलब अभी भी याद है मुझे, और मुझे नहीं लगता है कि मेरा जिस दिन रिजल्ट आया था, वो जो रिजल्ट मैंने देखा ना, हम लोग का रिजल्ट आया था अराउंड 12:30 को, तो जब वो रिजल्ट मैंने देखा पास पास, और उसके बाद मतलब कम से कम 1 घंटा कंटिन्यूअसली हंस हंस के रोया हूं, मैं कंटिन्यूअसली हंस हंस के रोया हूं, ठीक है? मैं तो ठीक है, पूरा मेरा परिवार हंस हंस के रोया है. सो वाओ, सो एनीवेज यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, तो सोचो ना यू आर वर्किंग फॉर समथिंग जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है, एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर टू एक्सप्रेस इट. सो उसके लिए अगर कोई बोले मुझे कि यार मेहनत कर 6 महीना जी तोड़ मेहनत कर, रेडी हूं मैं यार, रेडी हूं मैं, ठीक है? और उसका बेनिफिट्स तो मिलने वाला है जिंदगी भर तक. सो एनीवेज ठीक है, चलो भाई इमोशनल हो रहे अपन, अपने को आ रहा है प्रैक्टिकलिटी पे, एंड दैट इज दिस. तो ये करेंगे तभी वो खुशी के आंसू रो पाए, और मतलब फिर बाद में अभी अभी कैसा होता है, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं रोते, बट अभी स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं तब आंखों में आंसू आ जाते हैं, सर मैं क्लियर हो गया, सर मैं क्लियर हो गई, सर 10 अटेम्प्ट बाद क्लियर हुआ, सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई, सर ऑल इंडिया रैंक आया. द इमोशंस आर स्टिल द सेम, द फीलिंग ऑफ दैट 12:30 पास पास रिजल्ट इज स्टिल द सेम, एकदम फ्रेश है मुझे. मुझे मैंने मेरे रूम में देखा था, फिर घर वालों को बोला, घर वालों ने देखा एंड घर वालों ने बोला प्लीज वापस से 2 बार चेक कर ले, कंफर्म कर ले तेरा ही रिजल्ट है ना, श्योर है ना,
एंड देन वाओ चलो। सो एनीवेज हाँ मैं क्या बोल रहा था अभी कि यस नहीं निकल जाओगे। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स जस्ट वन थिंग, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी। जो इस चीज को खेल गया ना वो खेल गया। नहीं शी क्लियर्ड आफ्टर प्रॉब्ली वन मोर अटेम्प्ट। चलो सो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन किसका करना है? सर कंपनी का करना है एंड एम्प्लॉय का करना है। अच्छा कंपनी और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो क्या एक ही फैक्टर पे करेंगे? नहीं सर, ये बोलता है कि दो फैक्टर पे करेंगे, फाइनेंशियल फैक्टर पे और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे। मेरा आप लोग के पास सवाल ये है कि जब आपको अपना सीए का एग्जाम क्लियर करना है तो इंस्टीट्यूट भी तो आपको इवेल्युएट कर रहा है, इंस्टीट्यूट भी तो आपको मेजर कर रहा है। इंस्टीट्यूट आपको मेजर एंड इवेल्युएट कहां पे कर रहा है? कहना से एग्जाम में। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, चल चल। इंस्टीट्यूट आपको मेजर एंड इवेल्युएट कहां पे कर रहा है? कह ना इसे एग्जाम में कर रहा है। तो एग्जाम में वो आपको मेजर एंड इवेल्युएट करके अगर 400 मिनिमम 40 सब में 50 एंड अबव आ जाता है देन इन दैट केस कह ना इसे आपको बोल देता है इंस्टीट्यूट के यस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको मैंने पूछा था क्या ये एक फैक्टर के बेसिस पे आपको सीए बना देना चाहिए क्या, या खाली एक ही फैक्टर रखना चाहिए क्या कि बस मार्क्स आ गया तो सीए बना दो, या आपके हिसाब से और भी फैक्टर्स होना चाहिए? आप लोग ने बोला नहीं सर एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, और भी फैक्टर्स होना चाहिए। एंड मैं आपको बोलता हूं आने वाले टाइम में यही होगा, ठीक है ना, आज की तारीख में। ठीक है, सीए का जो डिग्री है वो आपको मार्क्स के बेसिस पे मिल जाता है, बट कई बार क्या उसने प्रॉपर आर्टिकलशिप किया है या डमी किया है, क्या उसको मार्केट का कुछ नॉलेज है या खाली रट्टा मार के पास हो गया है, या फिर बाद में उसका पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसा है। कभी कभी तो कुछ सीए लोग को देख के अपने को लगता है कि भाई ये पक्का सीए है क्या मुझे देख के तो नहीं लग रहा है ना तो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी, मार्केट नॉलेज, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, कहना इसे ये सब चीजें कंबाइन होके मार्क्स फिर साथ में जुड़ने चाहिए, और फिर इस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए या इवैल्यूएशन होना चाहिए दैट यस ही इज फिट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज नॉट फिट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर एब्सोल्युटली। तो कहना इसे आज की तारीख में इंस्टीट्यूट अपने को मेजर एंड इवेल्युएट कर रही है किस बेसिस पे? खाली फाइनेंशियल फैक्टर्स पे। बट कहना इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद ये खाली फाइनेंशियल फैक्टर्स ना होके फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों मिल जाए एंड फिर इवैल्यूएशन होगा। तो अब ओवर जैसा मैंने बोला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये होगा, बट उसके पहले ये हो, उसके पहले फिलहाल वर्ल्ड ओवर आज की तारीख में अगर किसी कंपनी और किसी एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करना होगा तो उन्होंने बोल दिया है कि हम खाली फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेसिस पे उन लोगों को इवैल्यूएट करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो ये है हमारा इवैल्यूएशन फैक्टर एज ऑफ डेट। ठीक है, और इस इवैल्यूएशन में अपन करने वाले हैं फिलहाल फाइनेंशियल फैक्टर्स के ऊपर फोकस। इस इवैल्यूएशन में अपन लोग किसके ऊपर फिलहाल फोकस करने वाले हैं? फाइनेंशियल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। एंड आईसीएआई बोलता है कि फाइनेंशियली किसी भी कंपनी या एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करना है देन इन दैट केस तीन फाइनेंशियल चीजें हैं, एक है आरओआई, एक है आरआई और तीसरा है ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। समझ में आया तुम लोगों को पहुंचना किधर है? अपने को पहुंचना इधर है, अपने को पहुंचना इधर है। ठीक है, बट ये इधर पहुंचे अपन लोग उसके पहले तुम लोग को यहां पे कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल रीच योर, एंड देन वी विल रीच योर। ठीक है, तो आज अपने को ये जर्नी कवर करनी है, आरओआई आरआई ईवीए तक पहुंचना है, पर वो कैसे पहुंचेंगे वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग को इतना समझ में आया जो मैंने लिखा है? ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन सर? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन किन दो लोगों के लिए होता है? बोलो बोलो चल चल। सर कंपनी एंड एम्प्लॉय किन दो लोगों के लिए होता है? कंपनी एंड एम्प्लॉय। अगर कंपनी एंड एम्प्लॉय को मेरे को इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए मेरे पास दो फैक्टर्स है। कौन सा है वो दो फैक्टर्स? सर फाइनेंशियल फैक्टर, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। राइट राइट, फाइनेंशियल फैक्टर में तीन चीजें हैं जिसके बेसिस पे मैं उनको मेजर एंड इवैल्यूएट कर पाऊंगा। एक है आरओआई, एक है आरआई, एक है ईवीए। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर परफेक्ट। ठीक है, चलो फटाफट खाली इतना सा पार्ट लिख लो, खाली इतना सा पार्ट लिख लो। चलो अभी साथ साथ में लिखते भी जा रहे हैं ना अपन, तो तुम लोग इतना सा पार्ट लिख लो। चलो तो अब
मैं आप लोगों को बता दिया है कि जर्नी स्टार्ट करके डेस्टिनेशन तक तुम लोगों को मैंने बता दिया है आज का डेस्टिनेशन। इट इज लाइक दिस, मेरे पास एक ट्वेल्थ का बच्चा आया, ट्वेल्थ का बच्चा मुझे पूछा कि सर मेरे को सीए करना है कैसे होगा। तो मैंने बोला तेरे को पहले सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, फिर तुझे सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना पड़ेगा, फिर तुझे सीए फाइनल क्लियर करना पड़ेगा, तब तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। तो उसको मैंने बता दिया है, बट बीच में सीए फाउंडेशन में थोड़ा कुछ पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है, फिर जाके फाइनल में पढ़ना है, फिर जाके वो सीए बनेगा, राइट। तो चलो ये अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से तुम लोग को आइडिया आ गया है। चलो लेट द गेम बिगिन, प्लीज फटाफट लिख लो। फुल फॉर्म ऑफ आर आई एंड ईवीए वक्त आने पे सब बताएंगे सर, अभी फिलहाल मुझे पढ़ाने दो, मुझे पता है कब क्या बताना है। थैंक यू सो मच। स्मृति बोल रही है सर अभी कोई सीए करने के लिए आएगा तो उसको हम बोलेंगे मत करो सीए, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो यार, करने दो सीए, हम बनाएंगे ना, क्यों इतने दुखी हो जिंदगी में। चलो प्लीज लिख के हो गया सब लोग का, आरओआई आरआई ईवीए क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वक्त आने पे। अभी अब ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को अभी मैं बताऊं क्या एससीएमपी क्या है, उसको मैंने बता दिया ये सब्जेक्ट्स है FR, SFM, ये वो, अभी वो उसको बताओ क्या FR मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको अभी क्या मतलब है भाई, तू पहले फाउंडेशन क्लियर करना है। देखो ऑल ऑफ दिस विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जब सीए बन जाओगे, तुम्हारे को पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। पवन कुमार बोल रहे हैं मेरी मम्मी को सीए से चिढ़ हो गई है सर। अरे भाई जब तू ये सीए से पैसा कमाएगा और मम्मी को देगा ना, तब देख मम्मी का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाएगा। चल एनीवे स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे साथ पास बहुत बार हुआ ऐसा, रिजल्ट्स के बाद क्लियर नहीं हो पाते हैं, फोन आता है स्टूडेंट्स का, फोन आता है कि सर छोड़ दूं क्या, पेरेंट्स का फोन आता है कि नहीं करवाना है सर, इतने टाइम से नहीं क्लियर हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा शायद, छोड़ देते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे पता होता है कि यार फाइनल तक पहुंचे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप क्लियर हो जाओगे। एंड दिस इज समथिंग जिसका बेनिफिट आपको 40 साल तक मिलने वाला है यार। तो कैश फ्लोज देखो ना, नेट कैश फ्लोज इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो पैसा भी है रिस्पेक्ट भी है ऐसी चीज में, तो नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ना, इतनी हाई लेवल की चीज कर रहे। तो यस सब ग्रेजुअली ट्रैक पे आ ही जाएगा आई एम श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो नाउ इतना अपने को है, जैसा मैंने बोला कि अब अपने को आगे बढ़ना है। अब तुम लोग को अगर एक चीज मैं क्या बोल रहा हूं, तो अब तुम लोग को एक चीज मैं बताता हूं कि मैंने ना तुम लोग को जब ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कौन सी चीज के साथ स्टार्ट किया था, और मैंने बोला था मैं हर चैप्टर में इस चीज को इंक्लूड करूंगा। कुछ याद करो मैंने कौन सी चीज से स्टार्ट किया था गाइस, एवरीबॉडी डू यू रिमेंबर मैंने क्या बोला था आप लोगों को सबसे पहले जब मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट किया था, करेक्ट। देखो मैं हर एक चीज ऐसे कनेक्ट करवाऊंगा आप लोगों को दैट उसके बाद आप लोगों को और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इजिली सब चीजें याद रह जाएगा थियोरी, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस दे रहा हूं आज, ठीक है ना। अभी तो चलने वाला है अपना से 4-5 दिन तो एटलीस्ट ये चैप्टर चलने वाले, मिनिमम 5 से 7 दिन तो चलने वाला ये चैप्टर, तो उसमें आप लोगों को खुद रियलाइज हो जाएगा दैट हाउ इफेक्टिव थ्योरी, हाउ इफेक्टिवली थ्योरी कैन ऑल्सो बी डन। बस आप लोगों की तरफ से चाहिए वो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आप लोगों की तरफ से ये रिप्लाई आते रहना चाहिए। चलो मैंने तुम लोग को बोला था फर्स्ट लेक्चर, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग का फर्स्ट लेक्चर कौन से वर्ड से स्टार्ट किया था, याद करो। चलो मैं भी ओपन करता हूं, तुम लोग याद करो मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग का फर्स्ट लेक्चर कौन से वर्ड से स्टार्ट किया था। लेट मी सी किधर गया रे, चलो मुझे नहीं मिल रहा है, तुम लोग बता दो एटलीस्ट मुझे वो, हाँ ये रहा,
ट्रांसफर प्राइसिंग का फर्स्ट सेशन मैंने कौन से वर्ड से स्टार्ट किया था? ये देखो, ये है मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग का फर्स्ट सेशन, मैंने कौन से वर्ड से स्टार्ट किया था? बनिया बुद्धि, एंड कैन आई से बेसिकली बनिया बुद्धि मतलब बिजनेस से स्टार्ट किया था वर्ड, एंड दिस इज वॉट नाउ आई एम गोइंग टू यूज अगेन। मैंने तुम्हारे को बोला था कि देखो हर चैप्टर में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट बेसिकली इज दैट आप लोग को बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, आप लोग को बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज हर एक चीज जो अपन एस सी एम पी में कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बिजनेस से कनेक्टेड है, एंड इट विल वेरी वेरी बी हेल्पफुल अगर आप वो बिजनेस के एंगल से सोचो। ठीक है, अब याद है अपनी बात हुई थी, देखो मैं अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ आई एम गोइंग टू इंटरकनेक्ट थिंग्स। ठीक है, और फिर बाद में आपको याद आएगा ओ आफा, तो वहां पे वो चीज इसलिए बताई थी ताकि यहां पे भी वो चीज मैं कनेक्ट कर सकूं। 1995 के पहले व्हाट वर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस व्हिच वर, तो हर चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ये वर्ड तो लिखना ही है कि बिजनेस के एंगल से सोचना है। ठीक है, ठीक है ना, बिजनेस कौन करता है? बिजनेस बेटा कौन करता है? बिजनेस कंपनी करती है। बिजनेस कंपनी को करना है और कंपनी को ग्रो करना है तो उसके लिए किसका साथ चाहिए? एम्प्लॉय का साथ चाहिए। तो कहना इसे इन दोनों लोग जिसका मेरे को साथ चाहिए, उनका मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन तो करना पड़ेगा ना। अगर इन दोनों का मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन पॉजिटिव है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेसिस पे पॉजिटिव है, देन इन दैट केस कैन आई से द कंपनी एंड द एम्प्लॉय दोनों की तरक्की होगी। चलो, अब मैंने आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट जब वर्ड किया था तो मैंने बोला था कि 1995 के पहले कैसे टाइप के बिजनेसेस हुआ करते थे, क्या टाइप के बिजनेसेस हुआ करते थे इन इंडिया बिफोर 1995। आप लोग सब लोग ने बोला सर सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ बिजनेस हुआ करता था, बट क्या आज की तारीख में भी सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ बिजनेस होता है? द आंसर इज नो। इफ योर कंपनी वॉन्ट्स टू ग्रो बिग, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो बिग, देन इन दैट केस आज की तारीख में विच इज After 1995, can I say कि सब जगह वर्ल्ड ओवर decentralized सिस्टम आ गया है, decentralized सिस्टम आ गया, एंड इस decentralized सिस्टम के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दिया है, बोलो। यस, कैन आई से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर को, उस डिपार्टमेंट के हेड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिविजन। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस और नो? बराबर है। सो अगर आज की तारीख में बिजनेस करना है तो आप सेंट्रली बिजनेस करोगे या अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करोगे एंड फिर एक्सपांड करोगे? एवरीबॉडी कम ऑन, बोलो क्या करोगे? यस, कैन आई से अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपांड करोगे? सो टॉप मैनेजमेंट जो अपना अथॉरिटी है वो डेलीगेट करेगा टू टेक डिसीजंस। एम आई राइट एवरीवन? परफेक्ट। कैन आई से यहां पे वही चीज हो रही है? राइट, ओके। अब नेक्स्ट चीज मैं आप लोग को पूछ रहा हूं। समझो मैंने कोई बिजनेस चालू किया और आप लोग को मैंने मैनेजर बनाया, तो कहना इसे मेरा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है आप लोग को, डेलीगेट किया है, ठीक है, एक अथॉरिटी दिया है आप लोग को टू मैनेज माय पर्टिकुलर डिवीजन। अब वो मैं आपको मैनेज करने के लिए दे देता हूं, बट क्या मैं वो डिवीजन को भूल पाऊंगा या रेगुलर बेसिस पे आप लोग के पास से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहूंगा? बोलो एवरीबॉडी यस और नो? तो कैन आई से भाई सर ऐसे कैसे भूल जाओगे, है तो आपका बिजनेस, तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि ये जिन लोगों को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया है, ये जिन लोगों को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया है, क्या ये फाइनेंशियल प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं, है क्या नहीं? सो कैन आई से आई विल कलेक्ट सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यू, या रादर कैन आई से आप लोग सामने से आके हर मंथ क्यों ना मेरे को पूरा एक आइडिया दे दो कि डिवीजन में कितना फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज हुई है। करेक्ट, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे 10 मैनेजर्स 10 डिवीजन के लिए होंगे, तो मैं सबके पास जाऊं उससे अच्छा क्यों ना आपको बोलूं क्या कि आप लोग वो इंफॉर्मेशन लेके मेरे पास आ जाओ। राइट और रॉन्ग? सो आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप लोग पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, आप लोग पहले जो भी पूरे महीने में मंथली इंफॉर्मेशन जो भी हुआ है, जो भी मंथली इंफॉर्मेशन है, आप उसको क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। अब डे टू डे तो यार
हजार चीजें होती है, कैन आई से आप ये हजार चीजें मेरे को नहीं बताओगे, बट इसको आप समराइज करके मेरे पास ले आओगे, कैन आई से इसको आप समराइज करके मेरे पास ले आओगे, एंड फाइनली जब ये समराइज हो जाएगा यू विल कम एंड रिपोर्ट टू मी ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? क्या आप लोग को ये चीज समझ में आ रही है? बोलो बोलो चल चल. यस गाइस, ठीक है. तो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. अगेन अगेन मैं वापस से बता रहा हूं, ठीक है. सो अब तुम लोग को मुझे गाइड करते जाना है कि एग्जैक्टली सिस्टम क्या हो रहा है, ठीक है. सिस्टम क्या हो रहा है अब वो आप लोग को मैं बताते जा रहा हूँ. जस्ट फोकस हियर, ठीक है. जब बुक का बारी आएगा तब मैं तुम लोग के साथ बुक का जो भी करना है वो भी शेयर कर दूंगा, बट फिलहाल एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर. अब मैं आप लोग को क्या बता रहा था, अपन लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस. आज की तारीख में अपना बिजनेस क्या पूरा सेंट्रलाइज मैनेज होगा या अपन लोग उसको डेलीगेट करेंगे? बोलो बोलो एवरीबॉडी, बोलो बोलो एवरीबॉडी. चलो मैं पूरा वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ जो इधर था. एवरीबॉडी फोकस हियर. सो मेरे को एक बात बताओ कि जो भी बिजनेस होगा वो पूरा मैं अकेले मैनेज करूंगा या उसको डिसेंट्रलाइज्ड एंड डेलीगेट करूंगा? करेक्ट. कैन आई से मैं इसको डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेट कर दूंगा, मैं इसको डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेट कर दूंगा. अरे कौन डेलीगेट कर रहा है? टॉप अथॉरिटी इज डेलीगेटिंग इट राइट टू द लोअर अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन. सो डेलीगेट कौन कर रहा है? डेलीगेट बाय टॉप अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन. अब वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना वो खुद से डिसीजन ले सकता है क्योंकि टॉप अथॉरिटी ने उसको डेलीगेट कर दिया है डिसीजन मेकिंग. टॉप अथॉरिटी ने उसको डिसीजन मेकिंग डेलीगेट कर दिया है. अब इस टॉप अथॉरिटी ने किसको डेलीगेट किया है, ठीक है. किसको डेलीगेट किया है? तो कहना है इसे मैनेजर्स को डेलीगेट कर दिया है. हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट. तो कहना है इसे मैनेजर्स को डेलीगेट कर दिया है. ये मैनेजर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? ये मैनेजर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कोई मुझे बता सकता है? ये मैनेजर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि एवरी मंथ एंड पे, वीक एंड पे या एवरी 15 डेज में ये टॉप अथॉरिटी के पास आए और जो भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें. एम आई राइट? सो कैन आई से ये लोग को पहले तो कलेक्ट करना है जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समराइज करना है एंड फाइनली प्रेजेंट करना है एंड फाइनली रिपोर्ट करना पड़ेगा. रिपोर्ट कलेक्ट समराइज रिपोर्ट क्या? ऑल फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया कुंजन चोटा है जो तेरा मिस हुआ था, समझ में आ गया? क्या ये सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया? पब्लिक बोलो बोलो टेल टेल. यस ठीक है. अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आता हूं मैं, ठीक है. अब ये जब डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेट करते हो ना, ठीक है ना, आप जब डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेट करते हो ना तो यहां पे ये जो डेलीगेशन है ना, डेलीगेशन, ये डेलीगेशन करने के चार तरीके होते हैं. ये डेलीगेशन करने के चार तरीके होते हैं, ये डेलीगेशन करने के चार तरीके होते हैं, ठीक है. तो वो जो डेलीगेशन का तरीका है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं ऑर्ग चार्ट. सुना है तुम लोग ने ये वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बचपन में सुना होगा, ऑर्ग चार्ट. क्या बोलते हैं उसको? ऑर्ग चार्ट. सो अब मेरा बिजनेस है, मेरे को मेरा बिजनेस को डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेट करना है, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा? मैनेजर्स अपॉइंट करूंगा. टॉप अथॉरिटी मैनेजर अपॉइंट करती है किसके लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है. इस मैनेजर्स का क्या काम है? कलेक्ट समराइज रिपोर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू टॉप मैनेजमेंट. फाइनेंशियल नॉन इंफॉर्म फाइनेंशियल सारा इंफॉर्मेशन दे दो. बट ये डेलीगेट कैसे किया है? तो ये डेलीगेट करने के भी चार तरीके हैं, बट ये जो डेलीगेशन का सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो चल चल.
कैन वी से MIS एंड EIS रिपोर्ट? यस, वेरी गुड, काइंड ऑफ दैट ओनली. सो यहाँ पे डेलीगेट करने के सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑर्ग स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं उसको? ऑर्ग स्ट्रक्चर. तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे एंड बोलता हूं कि भाई ये चीज के लिए एक ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा. गॉट इट गाइड? अच्छा, अब और एक चीज जो मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूं उसका मेरे को जवाब देना. ये जो टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन अपन देने वाले हैं, ये किस चीज के बारे में अपन लोग देने वाले हैं? ये इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में अपन लोग देने वाले हैं मेरे को बताओ जरा, कोई बता सकता है? कैन आई से कि इस तुम्हारे डिवीजन ने कितना रेवेन्यू किया, तुम्हारे डिवीजन ने कितना कॉस्ट इंकर किया, कैन आई से तुम्हारे डिवीजन के अंदर कितना एसेट्स परचेज या सेल हुआ? सो विल गिव इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट रिगार्डिंग रेवेन्यू कॉस्ट एंड एसेट्स ऑफ द फर्म. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? अरे बोलो बोलो, चल चल. रेवेन्यू कॉस्ट एंड एसेट्स ऑफ द फर्म. Revenue, cost and assets of the firm. Got it, guys? Yes? ठीक है. चलो, तो ये तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया. ये पूरा सिस्टम तो समझ में आ गया अपने को सर. ठीक है. एटलीस्ट अभी देखो, हर दिन जब आएंगे ना अपन लोग ये रिवाइज करते जाएंगे, तो रिवाइज करते रहेंगे दिमाग में सेट हो जाएगा. टेंशन मत हो, पहले समझ लो सिस्टम को. अभी लर्न करने के पीछे मत भागो, अभी समझ लो. सिस्टम समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया. अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब डेलीगेट तो करना है, ये बात तो क्लियर है. डेलीगेट करके वो अपने को कलेक्ट समराइज रिपोर्ट करके देगा ऑल इन्फॉर्मेशन, जिसमें रेवेन्यू कॉस्ट एंड एसेट्स के बारे में वो बात करेगा, वो सब ठीक है. बट डेलीगेट कर से करे, वो डेलीगेट करने का तरीका है. एंड दैट डेलीगेट करने का तरीका इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. चलो, सो यहाँ पे पब्लिक बोल रहे हैं सर, यहाँ पे आपने खाली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लिखा है, रेवेन्यू कॉस्ट एंड एसेट्स ऑफ द फर्म एंड नॉन फाइनेंशियल. अभी जैसे कैसे है पता है क्या? जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, वो तो एकदम डिफाइंड होता है, रेवेन्यू कॉस्ट एंड एसेट. नॉन फाइनेंशियल है ना, इतना डिफाइंड नहीं होता है. क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क कहीं ना कहीं डिफाइंड नहीं होता है. इसके लिए खाली वर्ड यूज किया जाता है नॉन फाइनेंशियल. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है नॉन फाइनेंशियल. प्रैक्टिकली जो रिपोर्ट दिया जाता है ना, दैट इज ओनली फाइनेंशियल रिपोर्ट. दैट इज ओनली फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल को क्वांटिफाई करना कहीं ना कहीं मुश्किल है. सो इफ यू वॉन्ट, वॉट वी विल डू इज वी विल से दैट फिलहाल अपना फोकस किसके ऊपर है? फाइनेंशियल के ऊपर. ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ऑल फाइनेंशियल इनपो, ऑल फाइनेंशियल इन्फो. बस ठीक है, अभी शांति, टेंशन नहीं. सो कलेक्ट समराइज रिपोर्ट ऑल फाइनेंशियल इन्फो टू टॉप मैनेजमेंट. किस रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फो? सर, रेवेन्यू कॉस्ट एसेट्स ऑफ द फर्म एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये लो एटसेट्रा एटसेट्रा. और भी बहुत सारी चीजें, बट ये तीन चीजें एकदम मेन है. पैसा, ठीक है. चलो, सो अब ये हो गया. अब डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेट करना है. तो आपने सर बताया कि डेलीगेट करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि इस सिस्टम का, इस कंपनी का ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या है. एंड यहां पे वर्ल्ड ओवर चार तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है. वर्ल्ड ओवर चार तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है. आर वी अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नाम सुना है तुम लोग ने? हायरार्की के, से फॉर एग्जाम्पल अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, करेक्ट? तो क्या ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग से बताना, क्या ये अच्छी बात है? क्या बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. एम आई राइट? सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या बेनिफिट होगा? रोल्स ऑफ इंडिविजुअल पता चल जाएगा, भाई किसका क्या काम है पता चलना चाहिए ना, अदरवाइज कोई क्या करेगा कोई क्या करेगा, बराबर है? कहना इससे उससे अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाएगा अपना क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन हो जाएगा. सो अथॉरिटी, किस चीज का मेरे पास काम का अथॉरिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन, एम आई राइट? यस. एंड तीसरा, फाइनली मेरे को एक बात बताओ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट,
परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे इंटरकनेक्टेड है, या तू तेरा मैं मेरा? क्या ये इंटरकनेक्टेड है या तू तेरा मैं मेरा? 101% से दे आर इंटरकनेक्टेड. सो कैन आई से इन ये ऑर्ग स्ट्रक्चर होगा तो इन लोग में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी हो पाएगा. सो क्या हो पाएगा? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी हो पाएगा. क्या हो पाएगा सर? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. एम आई राइट? कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझते जाओ. अभी सिर्फ समझते जाओ, लिखने का टाइम मैं दूंगा. अभी मेरे को खाली जो समझाना है वो मैं समझा रहा हूं. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए? यस, ताकि पता चले सर किसका क्या रोल्स ऑफ इंडिविजुअल है, किसका क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड क्या उस सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ए समझ गुड एवरीबॉडी? यस सर. डन 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 डन. अब चार तरह के, कितने? चार तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं. चार तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं. खाली अभी फिलहाल फोकस मेरे ऊपर करोगे, जो मैं समझा रहा हूं उसी के ऊपर करोगे, उसमें कोई डाउट आया तो पूछोगे, अदरवाइज इधर उधर का बात प्लीज इग्नोर. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अच्छा एवरीबॉडी, तो क्या है ये चार टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले टाइप के ऊपर आता हूं मैं. पहला टाइप है जिसको बोलते हैं 1995 के पहले वाला. कौन सा था 1995 के पहले वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ठीक है ना, ये तो धीरे धीरे डेवलप हुआ ना. तो 1995 के पहले वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा था? कैन आई से सेंट्रलाइज? इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल, एंट्रप्रूनियल ऑर्ग स्ट्रक्चर. इस ऑर्ग स्ट्रक्चर में क्या होता होगा? करेक्ट, सब कुछ सेंट्रलाइज मैनेज होगा. आप ही उस ऑफिस के पीयून हो, आप ही उस ऑफिस के सीईओ हो. यस, एक्चुअली दैट इज व्हाट एंट्रप्रूनियल ऑर्ग स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट. सो क्या होता है इसमें? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास है? विद द ओनर. मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास होता है? यस, ऑल पावर्स विद द टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद द ओनर. ठीक है ना, तो यही बंदा ओनर है, यही बंदा मैनेजर है. सो इसका है ना ड्यूअल कैपेसिटी है. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन बंदे का ड्यूअल कैपेसिटी है, ओनर, क्या बोला, ओनर एंड मैनेजर, ओनर एंड मैनेजर. ए समझ गुड एवरीबॉडी? डन है, इतना समझ में आ गया? यस सर, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. कुछ याद नहीं रखना है? नहीं. समझ में आया? हाँ. समझना है? समझने में तकलीफ? पूछो. याद रखना है कि मैं तकलीफ? अभी नहीं, अभी याद रखने पे फोकस नहीं है. कुछ लिखना है क्या? नहीं सर, अभी सर लिख रहे हैं, सर के साथ समझते जा रहे हैं, फील लेते जा रहे हैं, लिखने का टाइम आएगा, डोंट वरी. ठीक है, चलो समझ गुड एवरीबॉडी. ओके, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते सेकेंड ऑर्ग स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं. अब कैन आई से छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. बराबर कि नहीं? सो एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर से अभी कौन सा स्ट्रक्चर आने लगा? कहना है इसे डिसेंट्रलाइज होने लगी चीजें, डिसेंट्रलाइज होने लगी चीजें. तो अब यहां पे क्या था एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में, क्या था पता है? वन प्रोडक्ट वन पर्सन, वन प्रोडक्ट वन पर्सन. मैं ही पेन बनाता हूं, मैं ही पेन जाके बेचता हूं, वन प्रोडक्ट वन पर्सन. अब कहना है इसे चीजें एक्सपांड होने लगी. अब ये देखो, ये कौन सा पेन है पता है? एसके पेन है. ये कौन सा पेन है? एसके पेन. एसके पेन संकल्प पहले खुद ही बनाता था और खुद ही बेचता, और एक्चुअली ऐसे ही होता है. मैंने जब मेरा खुद का कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया था ना, मतलब संकल्प क्लासेस आज से कुछ साल पहले, जब ये सब ऑनलाइन ऑनलाइन के चीजें नहीं थी, तब मैंने स्टार्ट किया था ना, आई स्वेयर. तो मेरा जब फर्स्ट मैंने क्लासरूम लिया था, तब तो इतने पैसे भी नहीं थे, तो वो क्लासरूम में झाड़ू भी लगाया मैंने, आई स्वेयर. यस, मतलब आज तुम लोग देखोगे, आज तुम लोग सर के पास बीएमडब्ल्यू है, बट तुम्हारे को पीछे का स्टोरी नहीं पता है लिटरली कितने दिन तक. क्योंकि अब वो जो स्वीपर और वो थे, उनका कॉस्ट था महीने का, कमर्शियल बिल्डिंग में मेरा जगह था, रेंट पे लिया था, तो उनका कॉस्ट था अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हजार. अब वो टाइम पे 5 से 6 हजार मतलब बहुत बड़ा पॉइंट हो गया मेरे लिए. मैं बोला भाई इतना खर्चा तो ना हो पाए, तो अपन ही करो. तो मैं ही झाड़ू लगाता था, और वो कुछ वो स्वीपर होता था ना, उससे थोड़ा 2 दिन में एक बार ऐसा
गीला पोचा काइंड ऑफ चीज भी कर देता था। ठीक है, पब्लिक आता था, चार बच्चे थे, फर्स्ट बैच था मेरा, चार बच्चे आते थे तो ठीक था, उतना उसके लिए सफिशियंट था। फिर बाद में ये चार बच्चों से नेक्स्ट बैच बना 11 बच्चों का, तब फिर थोड़ा पैसा आया तो मैंने बोला कि चलो अब भाई थोड़ा अपने को बाकी चीजों पे भी ध्यान देना है, तो आई केप्ट अ स्वीपर। तो ऐसे करते करते जर्नी आगे बढ़ती गई। कॉस्ट कटिंग छोड़, कॉस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हालत था। मतलब वो रेंट पे जगह लिया वही बड़ा बात था, क्योंकि वो रेंट ही देने के लिए ऑलमोस्ट बस पैसा बच रहा था, चार बच्चों में तो क्या ही मिलेगा, बट ये वो चार बच्चे आए वही बड़ी बात थी मेरे लिए। चलो, सो एनीवेज दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट्स। आप एक प्रोडक्ट, एक पर्सन, मैनेजमेंट कंट्रोल आपके पास ही, आपको पता नहीं होता है, आपका विजन उतना आगे तक का नहीं होता है वो टाइम पे कि आप कहाँ जाओगे। फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर कहानी आगे बढ़ती है। और एक चीज, और एक चीज, और एक चीज, तब मैं पढ़ा था भी खाली एक ही सब्जेक्ट था, एक ही चीज था, सीए फाइनल, बस। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो एंटरप्रेन्योर ऑर्ग स्ट्रक्चर में एक प्रोडक्ट, एक पर्सन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो एक ही संकल्प सब काम कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, फीस भी कलेक्ट कर रहा है, बैंक में जमा भी कर रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है, एक ही प्रोडक्ट है उसके पास, वो खाली सीए फाइनल को बेचता है, दैट्स इट। फिर कहानी आगे बढ़ी। अब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट हुआ बट उसने और लोग रखे, अब उसके पास इंक्वायरीज आने लगी है, चार लोग आए, चार लोगों को अच्छा लगा लेक्चर, चार लोग क्या कहेंगे, तो चार लोगों ने अच्छा कहा मेरे बारे में, तो उन्होंने फिर बाद में बोला, आगे बोला लोगों को कि सर का लेक्चर जाओ अच्छा है, तो मेरे पास इंक्वायरीज आने लगी। अब मैं इंक्वायरीज मैनेज नहीं कर पाता था क्योंकि मैं तभी जेपी मॉर्गन साथ में जॉब भी कर रहा था, तो मैंने फिर बाद में लोग रखना चालू किया, एडमिन स्टाफ रखा वो इंक्वायरीज हैंडल करता था, जो फीस आता था उसके लिए एक अकाउंटेंट रखा वो फीस लेता था और फीस डिपॉजिट करता था, तो वो अकाउंटिंग स्टाफ रखा। ऐसे करते करते बढ़ते गए, तो कहना इसे एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो वन प्रोडक्ट वन पर्सन था संकल्प सर का, इसको सर ने और आगे बढ़ाया। अभी भी प्रोडक्ट एक ही है बट बंदे बढ़ गए, फाइनेंस टीम आ गया, मार्केटिंग टीम आ गया, एडमिन टीम आ गया, सेल्स टीम आ गया, इसको नाम दिया गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोडक्ट अभी भी आज भी एक ही है, प्रोडक्ट आज भी एक ही है बट अब लोग ज्यादा हो गए हैं, वन प्रोडक्ट प्लस मोर पर्सन। समझ रहे हो, समझ रहे हो एवरीबॉडी? सो अब मैंने स्पेशलाइज्ड स्किल वाले लोग रखना चालू कर दिए, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जो बेचना जानता है उसको मार्केटिंग में रखा, जिसका अकाउंटिंग अच्छा है उसको अकाउंटिंग में रखा, जिसका जो एडमिन मैनेज करता है उसके लिए एडमिन स्टाफ रखा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कैन आई से मैं मेरे बिजनेस को डिपार्टमेंटलाइज कर रहा हूं, तो बिजनेस का डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है, बिजनेस का डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है। ये बिजनेस के डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए मैंने अलग अलग फंक्शंस के लोग अपॉइंट किए, मैंने अलग अलग फंक्शंस के लोग अपॉइंट किए, एक समझ रहे हो, समझ रहे हो, मैंने अलग अलग फंक्शंस के लोग अपॉइंट किए। अब मैं ये फंक्शंस को अपॉइंट कर रहा हूं तो किस बेसिस पे कर रहा हूं, बेस्ड ऑन स्पेशलिटी एंड स्किल। फंक्शनल पीपल क्या अपॉइंट कर रहा हूं, मैं फंक्शनल पीपल अपॉइंट कर रहा हूं बेस्ड ऑन स्पेशलिटी एंड स्किल, बेस्ड ऑन स्पेशलिटी एंड स्किल। तो कोई बीकॉम वाला है उसको अकाउंटिंग का काम देंगे, कोई बीएससी वाला है उसको थोड़ी अकाउंटिंग का काम देंगे, है कि नहीं? तो वैसा कोई बीए किया है उसको एडमिन का काम दे देंगे, किसी ने मार्केटिंग किया एमबीए उसको मार्केटिंग का काम देंगे। तो स्पेशलाइज स्किल के बेसिस पे फंक्शनल हम लोग ने ये डालना चालू किया, जहां पे हम लोग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ गए। कैसे डिपार्टमेंट, बेस्ड ऑन मार्केटिंग, फाइनेंस जिसको अपन अकाउंट्स बोल रहे थे वो, एडमिन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस एवरीबॉडी, गच्चा गच्चा गच्चा। सो मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, एडमिन, इतने सारे फिर मैं डिपार्टमेंट्स सेटअप करने लगा। और कहना इसे ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम किसके लिए अच्छा था, मेरे जैसे लोगों के लिए जिनका एक छोटा सा बिजनेस था, एक प्रोडक्ट मोर पर्सन। सो दिस वॉज अप्रोप्रिएट फॉर पीपल लाइक मी, अप्रोप्रिएट फॉर पीपल लाइक मी विच इज स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस। बट क्या मुझे यहां पे ही रुकना था या और आगे बढ़ना था?
एवरीबॉडी, यहां पे रुकना था या और आगे बढ़ना था? अपने को तो और आगे बढ़ना था, अपने को तो और आगे बढ़ना था। बच्चे पूछ रहे, सर चार बच्चों से स्टार्ट किया था, अभी लाइव में कितने बच्चे हैं वो भी तो बताओ। चलो वो भी बताएंगे। करने दो, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करते जाते हैं, फिर बाद में उस चीज का और माहौल बनाते। एवरीबॉडी एवरीबॉडी आ जाए। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आ गए। अब कैन आई से और बिजनेस एक्सपांड होगा? क्या जिंदगी भर एक ही प्रोडक्ट रखना है क्या? नहीं सर। फिर सीए फाइनल से सर सीए इंटरमीडिएट में भी आ गए, फिर हम लोग फिर सीए फाउंडेशन में भी आ गए, अलग अलग प्रोफेसर्स हम लोग को ज्वाइन होने लग गए। मोर प्रोडक्ट्स मोर पर्सन, एम आई राइट? मोर प्रोडक्ट्स मोर पर्सन। सो आ जाओ यहाँ पे मेरे थर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, विच सेज, विच इज कॉल्ड एज डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर। चलो, डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर। आओ आओ आओ, अब डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर में क्या होगा यहां पे? बोलो बोलो, टेल टेल। एक प्रोडक्ट प्लस मोर पर्सन, डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर में क्या होगा? करेक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट प्लस मोर देन वन पर्सन, प्लस मोर देन वन पर्सन। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं रिलायंस का, इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं रिलायंस का। सो रिलायंस बेसिकली क्या है पता है? रिलायंस का एक डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर है। तो से फॉर एग्जाम्पल यहां पे रिलायंस का अगर अपन लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो कैन आई से रिलायंस के तीन से डिविजन, तीन डिविजन है। से रिलायंस जियो, रिलायंस जियो है एक, करेक्ट। दिस रिलायंस जियो इज मैनेज्ड बाय से ईशा अंबानी, रिलायंस जियो इज मैनेज्ड बाय ईशा अंबानी, ठीक है। फिर और क्या है, ऑयल रिफाइनरी है उन लोग का, ठीक है। सो रिलायंस ऑयल, रिलायंस ऑयल, क्या आप लोगों को पता है ऑयल का उल्टा जियो, ये ऑयल है, इसको उल्टा करो जे आई ओ, रिलायंस का उल्टा ऑयल का उल्टा जियो, ऑयल ने रिलायंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, उसका उल्टा जियो। रिलायंस ऑयल, रिलायंस ऑयल को कौन मैनेज करता है? आकाश अंबानी। कौन मैनेज करता है? आकाश अंबानी। एंड फिर बाद में और एक है उसका, रिलायंस ट्रेंड्स से फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस ट्रेंड्स है, तो से रिलायंस ट्रेंड्स इज मैनेज्ड बाय अनंत अंबानी, अनंत अंबानी। तो यहां पे क्या हो रहा है? मोर देन वन प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है रिलायंस जियो, एक प्रोडक्ट है रिलायंस ऑयल, एक प्रोडक्ट है रिलायंस ट्रेंड्स। तो मोर देन वन प्रोडक्ट है, मोर देन वन प्रोडक्ट है। अब अगर मोर देन वन प्रोडक्ट है तो उसको कंज्यूम करने के लिए मोर देन वन पर्सन चाहिए। बोलो बोलो, चल चल। उसको कंज्यूम करने के लिए मोर देन वन पर्सन, उसको कंज्यूम करने के लिए, तो उसको मैनेज करने के लिए मोर देन वन पर्सन चाहिए। अब यहां पे क्या होता है डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर में? पहले डिविजन के बेसिस पे या डिपार्टमेंट के बेसिस पे या प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, फिर इसको फंक्शनली डिवाइड किया जाता है, फिर इसको फंक्शनली डिवाइड किया जाता है। अब रिलायंस जियो के अंदर में उसका फाइनेंस का टीम आएगा, उसका मार्केटिंग का टीम आएगा, उसका और कौन सा एडमिन का टीम आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, समझ रहे हो। अब रिलायंस जियो अलग से एक डिविजन में सेट हो गया, अब इसको फंक्शनली डिवाइड किया जाएगा, इसका एक अलग से फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एडमिन का टीम आएगा। अब एक रिलायंस ट्रेंड्स है, इसका इसको फंक्शनली डिवाइड किया जाएगा, इसको फंक्शनली कैसे डिवाइड किया जाएगा, इसका एक फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एडमिन का टीम आएगा। ए समझ गए एवरीबॉडी? सर ये अंबानी आप ऐसे ही बोलते हो या मजे कर रहे हो? अरे ऐसे ही बोलता हूं मैं, ईशा अंबानी, और क्या बोलते हैं? अंबानी बोल दे भाई तू, ईशा अंबानी, ठीक है। मैंने बोल दिया अंबानी, यार बड़े लोग हैं उनका स्टाइल से नाम लेना चाहिए। क्या पता कल मेरा ये लेक्चर ईशा अंबानी, आकाश अंबानी कोई सुन ले और बोल दे हे, उनका हाथ पड़ जाए अपने ऊपर, ए मेरा 1% स्टेक तेरा, यू नेवर नो, है कि नहीं? चलो एवरीबॉडी, आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस, यस और नो, है कि नहीं? चलो, सो इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, क्या पता रिलायंस ट्रेंड्स के कोई तो भी स्टोर में ये यूट्यूब पे लेक्चर मेरा स्टार्ट हो जाए और आकाश अंबानी, अनंत अंबानी आ जाए, बोले ये बच्ची हमको पसंद है, इस
हमारा हाथ है इसके ऊपर, हो गया अपना लाइफ सेट हो जाएगा, चले जाएगा। तब तक तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा ना, टेंशन क्यों लेते, तुम्हारा काम निकल जाएगा। चलो समझ में आया क्या, डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर, मुद्दे पे नहीं आएंगे ये लोग। चल आर यू क्लियर एवरीबॉडी, यस वी विल लीड देयर एटेक रेवोल्यूशन। थैंक यू चांडक साहब, थैंक यू सो मच। चलो सो इसमें अब सुनो, अब इसमें क्या होता है पता है क्या, रिलायंस जियो अभी सेट हो गया, अब रिलायंस जियो का जो डिसीजन है वो ईशा अंबानी ही लेगी और कोई नहीं लेगा। अब मुझे हंसी आ रही है नाम बोलने को। सुनो रिलायंस ऑयल है उसका सारा डिसीजन कौन लेगा, आकाश अंबानी, और रिलायंस ट्रेंड्स है उसका डिसीजन कौन लेगा, अनंत अंबानी। ठीक है, सो यहां पे अब अपन लोग ने एक लेवल का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। मैंने यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज किया है वो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट किया है। तो डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और कुछ बोलू मैं, डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और कुछ बात करें अपन, तो डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं और थोड़ा बात करता हूं देवी और सज्जनों, तो इसमें क्या बोलूंगा मैं कि जो कंपनी है उसके एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। अब कुछ लोग ये डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, कुछ लोग उसको ज्योग्राफिकली कर देते हैं कि भाई ईस्ट जोन तेरा वेस्ट जोन तेरा, तो ईशा अंबानी को बोला जाएगा ईस्ट जोन तेरा, ईस्ट जोन में जो बिजनेस है वो तेरा, वेस्ट जोन तेरा, नॉर्थ जोन तेरा, साउथ जोन तेरा। तो ज्योग्राफिकली भी कर सकते हो, प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हो, एब्सोल्यूटली अप टू यू। सो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे भी कर सकते हो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे करना चाहिए। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, सो यहाँ पे डिविजनल ऑर्ग स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिविजन किस बेसिस पे होता है, डिविजन इज बेस्ड ऑन एवरीबॉडी, डिविजन इज बेस्ड ऑन किस बेसिस पे, करेक्ट ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकता है, कभी सर्विस के बेसिस पे हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कंपनी का कॉल है उसको क्या बेसिस पे करना है। बट अब मेरे को बताओ, से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे कर दिया है, अब रिलायंस जियो को मार्केट में फ्री में लाना है, उसके सिम कार्ड का प्राइस रखना है, क्या रखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो पूरा का पूरा ईशा अंबानी डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे ईशा अंबानी के पास पूरा का पूरा पावर आ गया है, ऑटोनॉमी आ गया है। तो मैडम के पास, मैडम जी के पास है फुल ऑटोनॉमी, बराबर है। अपन लोग ने इसमें भी यही पढ़ा था, फुल ऑटोनॉमी वर्ड पढ़ा था ट्रांसफर प्राइसिंग में, यस फुल ऑटोनॉमी फॉर एवरीथिंग, फॉर सेलिंग प्राइस, क्या प्रोडक्ट मिक्स रखना है, कैसे कॉम्पीट करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाना है आपको, या फिर से फॉर एग्जाम्पल क्या प्रोडक्ट मिक्स रखना है, ऑल ऑफ दैट इज वॉट यू विल डिसाइड। कैन आई से ये उन बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है जो ग्रोथ लेवल पे है। सो दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर डाइवर्सिफाइंग एंड ग्रोइंग कंपनीज, फॉर डाइवर्सिफाइंग एंड ग्रोइंग कंपनीज। ए समझी गुडू एवरीबॉडी, बोलो बोलो, चल चल, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। ईशा अरोड़ा कहाँ है बोलो। चलो सो ईशा अरोड़ा देख, तू ऑलमोस्ट देर है, ईशा ए थोड़ा ऊपर नीचे है, बाकी तू उधर ही है। ओके एवरीबॉडी, यस डन 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 डन। क्या आप लोगों को यह समझ में आया डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? यस सर, पूरी तरह से समझ में आ गया है। एंड द लास्ट पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऑर्ग स्ट्रक्चर, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो बहुत रिसेंटली आया है। मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट ने नया सिलेबस SCMP का लाया 2018 में, 2018, 2019, 2020, 2021 टिल 2021 देयर वर ओनली थ्री ऑर्ग स्ट्रक्चर्स इन द मॉड्यूल ऑफ ICAI। इन द ईयर 2022, इन द ईयर 2022 दे इंट्रोड्यूस्ड अनदर ऑर्ग स्ट्रक्चर, एंड दैट ऑर्ग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑर्ग स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्ग स्ट्रक्चर, एंड ये बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए होती है, जैसे लार्सन एंड टूब्रो, नाम तो सुना होगा सेनोरिटा। सो ये किसके लिए होती है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए। ये क्या तुम लोग को एग्जांपल्स याद रहेगा ना,
बेटा डिविजनल लॉग स्ट्रक्चर में ये तीनों एग्जाम्पल याद रहेगा बेटा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड एंटरप्रेन्योरियल के लिए संकल्प का एग्जाम्पल याद रहेगा, ठीक है। बाकी चीजें खुद से लिख पाओगे, रिवाइज करवाते रहूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा, टेंशन मत लो, बट पहले समझ लो। प्रॉब्लम यह है पब्लिक का सीधा रट्टा मारने को जाता है। अब ये समझाए बिना सीधा रट्टा मारोगे ना, नहीं याद रहेगा। समझ लिया है और फिर बाद में इसको दो तीन बार पढ़ोगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। आप लोगों को खुद को वो चेंज फील होना चालू होगा जब आप लोग रिवाइज करेंगे। यस एवरीबॉडी, मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस किया या एग्जाम में? मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। सो फोर्थ, 2022 में इंस्टीट्यूट ने अपना मॉड्यूल को चेंज किया, रिवैम्प किया, और उसमें उन्होंने मैट्रिक्स ऑर्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए जो यूज होता है वो यूज किया। एंड यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल अपने को लिखना है, मैंने एक एक नाम लिया है, कौन सा एग्जाम्पल अपने को लिखना है देखते हैं, इनको कितना याद रहता है नाम, बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट, द एग्जाम्पल इज लार्सन एंड ट्यूब्रो LLT, ठीक है। सो लार्सन एंड ट्यूब्रो का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, लार्सन एंड ट्यूब्रो अपने बिजनेस को मैट्रिक्स ऑर्ग स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करता है। सो लार्सन एंड ट्यूब्रो जितने भी इंडिया के हाई लेवल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट इज मैनेज्ड बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, आई कैन नेम एटलीस्ट 10, जहां पे लार्सन एंड ट्यूब्रो और टॉप लेवल चीजें होती है वहां पे क्या करना है इनको। सो क्यों ये मैट्रिक्स ऑर्ग स्ट्रक्चर उनको बनाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत बहुत यहां पे हाँ यहां पे बहुत हाई लेवल के यस मेट्रो का काम किया है उन्होंने, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहां पे इनको मैनेज करने होते हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। तो जैसे मेट्रो हो गया, तो मेट्रो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्या? द आंसर इज यस, ठीक है। अलग अलग लेवल के अलग अलग मेट्रो कब चालू हो रहे हैं, कब एंड हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज टू बी मैनेज बाय देम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट की वर्ड थीम वर्ड जो है इन लोगों के लिए दैट इज क्रॉस फंक्शनल टीम बनता है। मैं उसका आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। क्रॉस फंक्शनल टीम बनता है यहां पे, एंड वो क्रॉस फंक्शनल टीम की वजह से वन टीम कैन टेक द बेनिफिट ऑफ अदर टीम, अदर टीम कैन टेक द बेनिफिट ऑफ थर्ड टीम, एंड ये बेनिफिट की वजह से जब बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और बिजनेसेस आते हैं तो क्रॉस फंक्शनल टीम हेल्प करती है उसको मैनेज करने में, एंड दैट इज द रीजन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है जिसकी वजह से फिर डिसेंट्रलाइज्ड वे पे स्पीडी डिसीजन लिए जाते हैं, डिसेंट्रलाइज हो जाता है वो, तो यू कैन टेक स्पीडी डिसीजन एंड जो भी आप लोग के डिस्प्यूट्स है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में डिस्प्यूट होने का चांस ज्यादा है। सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स। जैसे दुबई है, दुबई तुम लोग गए हो क्या? दुबई इज अ आर्किटेक्चरल मार्वल, मतलब किलर अल्टीमेट, 50 साल आगे है सारी दुनिया से वो इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो उसने मैट्रिक्स ऑर्ग स्ट्रक्चर यूज किया है इन ऑर्डर टू मेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये सब बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा है जब आप देखोगे जाके, दे हैव डन इट हाउ, बाय यूजिंग दीज ऑर्ग स्ट्रक्चर। सो ये कैन आई से यहां पे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दुबई वाला हबीबी। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीबॉडी? यस और नो? सो अब अगर मेरे को आप लोगों को इसका खाली एक चार्ट बना के दिखाना है मैट्रिक्स ऑर्ग स्ट्रक्चर का, तो इनके पास है फॉर एग्जांपल लार्सन एंड ट्यूब्रो का एक प्रोजेक्ट चालू है से स्टैचू ऑफ यूनिटी से, और एक प्रोजेक्ट चालू है से मेट्रो चल रहा है, और कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट चालू है उन लोग का, सॉरी, ठीक है। सो ये जब आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चालू है तो ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोजेक्ट्स है, ये क्या है बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स है, ये सब क्या है आपके प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। पाम जुमेरा, वाओ, करेक्ट। सो ये तुम लोग का जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये जो तुम लोग के प्रोजेक्ट्स है, इसको से इंफ्रा का कोई प्रोजेक्ट चालू है उनका,
ये जो प्रोजेक्ट है ना उसको मैनेज करने के लिए कैन आई से एक बहुत सारा टीम चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है खाली एक ही टीम से हो जाएगा क्या काम? द आंसर इज नो। आप लोग को एचआर टीम चाहिए, आप लोग को फाइनेंस टीम चाहिए, बराबर बोल रहा हूं? सही बोल रहे हो सर। कैन आई से आप लोग को आईटी का टीम चाहिए, सर आप लोग को मार्केटिंग का टीम चाहिए, सर आप लोग को ऑपरेशंस का टीम चाहिए, ऑपरेशंस का टीम चाहिए। तो इतना सारा टीम अगर चाहिए तो ऑब्वियसली अब से फॉर एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए से आपका एचआर है वो यहाँ पे काम कर रहा है, से फाइनेंस वाला बंदा है उसको तीनों जगह पे रहना पड़ रहा है, ठीक है। आईटी वाला बंदा है वो से फॉर एग्जांपल आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ इंफ्रा का कुछ मैनेज कर रहा है, से मार्केटिंग वाला है वो आप लोग का खाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख रहा है, से ऑपरेशंस वाला है वो तीनों चीज आप लोग की कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम इज। तो हो सकता है कि कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, बट मेट्रो वाले को भी वही फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ जरूरत पड़ गई, इंफ्रा वाले को भी वही फाइनेंस टीम की कुछ जरूरत पड़ गई, दे विल इंटरनली मैनेज द प्रोसेसेस एंड ये सारा का सारा सिस्टम बन जाएगा। एग्जाम में अगर आप लोगों को मैट्रिक्स ऑर्ग स्ट्रक्चर आया तो क्या आप लोग ये डायग्राम बना के आओगे? ये डायग्राम मैंने खुद से नहीं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही बनाया है, तो टेंशन ना लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? क्या इधर तक आप लोगों को पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया? ठीक है, यस एवरीबॉडी। तो अपन लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइज करना चालू किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन लोग ने डिसेंट्रलाइज करना चालू किया। ओ हो, देखते ही देखते कितना सारा कर लिया यार अपन लोग ने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंट्रलाइज डेलीगेट करना चालू किया, टॉप अथॉरिटी ने डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स एचओडी अपॉइंट किए, जिनका काम है कलेक्ट करो, समराइज करो, रिपोर्ट करके रेगुलर बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दो रिलेटिंग टू रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एसेट्स ऑफ द फर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। बट ये डेलीगेशन के लिए कुछ ऑर्ग स्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा ताकि अपना रोल्स एंड इंडिविजुअल रोल्स पता रहे इंडिविजुअल को, उसको अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता रहे और उन लोग के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सही रहे, राइट। पहला ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाया मैंने एंटरप्रेन्योर संकल्प जब स्टार्ट किया था कोचिंग करना, वन प्रोडक्ट वन पर्सन, वही मैनेजर वही ओनर सब उसी के पास है। फिर आया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जब एक प्रोडक्ट बट डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स, बराबर है। सो यहाँ पे बिजनेस डिपार्टमेंटलाइजेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, फंक्शनल पीपल मैंने स्पेशलिटी एंड स्किल के बेस पे अपॉइंट करना चालू कर दिया है। कोई मार्केटिंग कर रहा है, फाइनेंस वाला है, अकाउंट्स वाला है, ये अप्रोप्रिएट है किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए। फिर मैंने डिविजनलाइज सिस्टम पे आ गया मैं, जस्ट अ मोमेंट। फिर मैं डिविजनलाइज स्ट्रक्चर पे आ गया जहां पे मैंने रिलायंस जियो, रिलायंस ऑयल, रिलायंस ट्रेंड्स का एग्जांपल लेके आपको बताया, मोर देन वन प्रोडक्ट, और फिर डिवीजन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, एंड देन फाइनली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एलएनटी दुबई वाले लोग हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, तो से फॉर एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक, तो से फॉर एग्जांपल एलएनटी है, एलएनटी के पास एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम चल रहा है, एक जगह पे मेट्रो का काम चल रहा है, एक जगह पे इंफ्रा का काम चल रहा है, से दुबई वाला एग्जांपल लेते हैं, एक जगह पे पाम जुमेरा का काम चल रहा है, एक जगह पे से यहाँ पे आप लोग दूसरा कुछ ले लो बुर्ज अल अरब का काम चल रहा है, एक जगह पे से सबसे बड़ा बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा उसका काम चल रहा है। अब यहाँ पे ये तीनों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है? तो हो सकता है ना बुर्ज खलीफा बनाते वक्त जो स्टील यूज हो रहा है, कैन आई से वो स्टील अपने को बुर्ज अल अरब के लिए भी यूज आ जाएगा, तो कैन आई से यहाँ का जो प्रोक्योरमेंट या परचेज मैनेजर है कैन आई से वो यहाँ पे भी काम आ जाएगा? अरे बोलो ना पब्लिक, यहाँ का जो परचेज मैनेजर है वो यहाँ पे भी काम आ जाएगा ना बुर्ज अल अरब के लिए भी, दोनों को स्टील का जरूरत है। सो यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बट इंटरनली कॉम्प्लेक्स है, दोनों को अपन लोग यूज कर लेते हैं, कौन सा स्टील लेना है क्या है वो इसने इवेल्युएट कर लिया है, चलो सेम चीज यहाँ पे अपन लोग सेटअप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, मेट्रो है और कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट है, ये सब इंटरकनेक्टेड, एंड ऑफ द डे दे आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, बराबर है। सो हो सकता है कि कोई चीज फाइनेंस वाली है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मेट्रो और इंफ्रा की कॉमन है, तो फाइनेंस मैनेजर उसमें तीनों जगह पे अपना इनपुट दे सकता है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल एचआर वाला है, वो एचआर वाला जो है वो कुछ कॉमन अपॉइंटमेंट्स कर सकता है स्टार्टअप अपना ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और मेट्रो के लिए। दिस इज हाउ द होल ऑर्ग स्ट्रक्चर इज वर्कड अप, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फोरम समझ में आया? एवरीबॉडी समझ में आया आप लोग को? क्या चारों स्ट्रक्चर्स आप लोग को याद रहेंगे? बहुत बढ़िया, शबाशे सूरज, शबाशे प्रीति। आएगा आएगा, चल जीतेंगे जीतेंगे।
कमॉन, थकना नहीं है गाइस। हाँ, मेन मींस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में मैनेजर सेम हो सकते हैं एंड प्रोजेक्ट वाइज इवैल्यूएशन होगा। यस एब्सोल्युटली यस। शाबाश शाबाश, चालू चालू चालू, अभी क्लियर एवरीबॉडी। एंड 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 लास्ट में, लास्ट में रुको, मेरे को पता है तुम लोगों को बहुत घाई हो रही है लिखने की, बट 2 मिनट थोड़ा फ्लो में हूं, मुझे फ्लो में जाने दो, मेरे फ्लो को मत रुको। सर अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कोई और एग्जांपल फॉर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन? बहुत बना सकते हैं, अमेजोन का एग्जांपल ले ले। अमेजोन, अमेजन, कैन आई से वो भी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज करता है? अमेजोन के भी अलग अलग बिजनेसेस है, पता है तुम लोगों को? AWS तुम लोगों ने सुना है, अमेजोन वेब सोल्यूशन और वो सब। तो चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, अमेजोन ऑल्सो यूजेस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक तो अमेजोन जो अपने को पता है, ठीक है, दूसरा अमेजोन का बहुत सारे बिजनेसेस है, तो AWS उसका एक बिजनेस है, और उसका कोई से ब्लू ओरिजिन उसका एक बिजनेस है, सो ये जो स्पेस पे लेके जाता है, यस, सो स्पेस पे लेके जाने वाला उसका एक ब्लू ओरिजिन का बिजनेस है, अमेजोन का उसका जो खुद का डिलीवरी वाला बिजनेस है, AWS का बिजनेस है। इसमें भी तो हो सकता है कि जो IT टीम अमेजोन का है, जो डिलीवरी वाला है, वो IT टीम मैं मेरे अमेजोन के AWS के लिए भी यूज कर लूं, है कि नहीं? सो वहां पे भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स है, ऑर्ग स्ट्रक्चर ऐसा बना के इंटरनली आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको धानुका जी? अडानी का भी यूज कर सकते हो, यस, गॉट इट गाइज। ज्वेलर्स, ये आदित्य सोनी लग, हाँ सोनी है ना ये, इसलिए ज्वेलर्स बोल रहा है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड, पोलकी, रियल स्टोन। ओ भाई, मेरी बीवी को लेकर आओ नेक्स्ट टाइम, बताना उसको ये सब, डायमंड, पोलकी, रियल स्टोन, उसको ये सब का बहुत इंटरेस्ट है। ओके चलो, एग्जाम्पल टाटा हैविंग TCS। अब देखो ये यही है, ये लोग, ये बच्चे अब मुझे सिखाना चालू कर दिया इन्होंने, मुझे सिखा रहे हैं अब, सर ऐसा है ना, ये ऐसा ऐसा होता है सर, ये ऐसा ऐसा होता है, ये सर इसमें भी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है भाई, थैंक यू, सिखा दिया आपने, फीस दूं आप लोगों को? हाँ आओ इधर, चलो बड़ी, यस। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। और अब यहां पे कहानी को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं, कहानी को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं, और यहां पे फिर बोला गया कि भाई अब ये ऑर्ग स्ट्रक्चर बन गया है, अब HR वाले को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का टाइम आ गया है, फाइनेंस वाले को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग वाले को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशंस वाले को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईशा अंबानी को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आकाश अंबानी को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको अपना अपना, सबको अपना अपना काम देने को आ गए। सर रिलायंस डज नॉट फॉल अंडर, अरे रिलायंस ऑल्सो फॉल्स अंडर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बाबा। मैंने यहाँ पे रिलायंस का एग्जाम्पल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैट्रिक्स में फॉल नहीं कर सकता है या नहीं करता है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का मतलब समझ रहे ना आप? एमेजॉन इवन हैज इंश्योरेंस सर, अरे एमेजॉन हैज 1000 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ये देखो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, ये अभी मुझे पढ़ा रहे हैं यार, जाओ मैं जाऊं, तुम लोग आ जाओ, आ जाओ, तुम लोग ही आ जाओगे, चलो नहीं तुम भी पढ़ा लो। हाँ प्रीति कुमारी, एक ऑडिट के सेम स्टाफ को यूज कर सकते, वाह प्रीति जी, आ बा 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 बा, अरे तो क्या बोलते ना वो, मतलब ऐसा ही ये लोग, अभी थियोरी है, मजबूरी में शुरू किए थे अब मजा आ रहा है, ऐसा हालत हो गया तुम लोग का है। सो ये चार स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, अब ये जो HR है, फाइनेंस है, IT है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं यहाँ पे मार्केटिंग वाला है, फाइनेंस वाला है, ईशा अंबानी है, आकाश अंबानी है, ये सब लोग को, ये जहां पे भी आप लोगों को लोग दिखाई देना, पीपल दिखाई देना, वहां पे आप लोग को सेटअप करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, वहां पे आप लोग को सेटअप करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। एंड लेट मी टेल यू, चार तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, चार तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। चलो मजा आ रहा है, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, अभी इधर ध्यान दो। चार तरह के मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, ठीक है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है कॉस्ट सेंटर, अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। अब देखो
एंड ऑफ द डे बिजनेस को क्या चाहिए, एंड ऑफ द डे बिजनेस को क्या चाहिए बताओ मुझे, कोई भी बिजनेस हो उसको क्या चाहिए। अपना फर्स्ट डे पे, ट्रांसफर प्राइसिंग के फर्स्ट डे पे अपना बात बहुत क्लियरली हो गया था कि कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस में क्या चाहिए। हाँ सर, आर्टिकल्स को भी सब डिवीजन यूज कर लेते हैं अपने ऑफिस में। सर आर्टिकल बहुत काम करता है, आर्टिकल बेस्ट है, आर्टिकल से अच्छा कोई नहीं है। ओके मान लिया, चलो इधर आ जाओ। सब लोग को चाहिए प्रॉफिट, सब बिजनेस को चाहिए मुनाफा, एंड ऑफ द डे एक ही चीज चाहिए सबको, प्रॉफिट। बट अभी समझो, ये कॉस्ट सेंटर मैंने सेटअप किया। अब कॉस्ट सेंटर में कौन आता है पता है? जो डिपार्टमेंट खर्चा करता है। कॉस्ट सेंटर में कौन आता है? जो डिपार्टमेंट खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे मैं लिख देता हूं, से जो डिपार्टमेंट खर्चे के लिए, जो डिपार्टमेंट खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डिपार्टमेंट खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहां पे मैं क्या बोलता हूं कि अगर कोई कॉस्ट सेंटर है उसका वो खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं इसका एक दो एग्जांपल देता हूं। कैन आई से जो मेरा परचेज मैनेजर होता है वो मेरा कॉस्ट सेंटर है भाई, वो खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है वो भी कोई मार्केट में जाके कुछ बेचने तो नहीं वाला है, तो वो मेरा खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये लोग तो खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस बोलता है हमारे को तो प्रॉफिट चाहिए, तो क्या ये लोग प्रॉफिट में कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं क्या वर्कर्स? आप लोग मुझे बताइए, क्या एक परचेज मैनेजर कैन हेल्प द कंपनी इन, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट लाने के लिए? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली केशर वानी कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कैसे? कैन आई से कॉस्ट मैनेज करके, कॉस्ट सेव करके, बाय कीपिंग कॉस्ट मिनिमम एंड क्वालिटी को ना कॉम्प्रोमाइज करके। सो कैन आई से एक कॉस्ट सेंटर भी रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए, कैसे? By ensuring minimum cost with best quality minimum cost with best quality। Hey, samjhi gidu everybody, bolo bolo chal chal, right? So iska majorly काम क्या होता है ये cost center का? एंश्योर करना ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू द कंपनी, ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू द कंपनी। सो इसका काम है कॉस्ट को सुपरवाइज करना, इसका काम है बराबर कॉस्ट को सेग्रीगेट करना, इसका काम है कॉस्ट को एलोकेट करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलिमिनेट ऑल अनवांटेड कॉस्ट इन द कंपनी, अनवॉन्टेड कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो क्या ये कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए? जी हाँ, इसका काम है ये, बट वो कर सकता है मैनेज बाय इंश्योरिंग मिनिमम कॉस्ट विद बेस्ट क्वालिटी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बात है रिया जी और मिति जी, बहुत बढ़िया। ऑप्टिमल, ऑप्टिमाइज्ड, थोड़ा मार्केटिंग कर दो भाई, ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो अब क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है? अब एक तो हो गया कॉस्ट सेंटर, तो मेरा परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये तो कॉस्ट सेंटर के कैटेगरी में फॉल हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये मेरा जो मेरा मार्केटिंग वाला है वो कहां पे फॉल करेगा? उसका काम क्या है मेरा मार्केटिंग? अगर ये लोग का काम है कॉस्ट को मैनेज करना, तो आप मुझे बताओ मेरा मार्केटिंग मैनेजर कहां पे जाएगा? मेरा मार्केटिंग मैनेजर कहां पे जाएगा पब्लिक? मेरा मार्केटिंग मैनेजर जाएगा, करेक्ट, माय मार्केटिंग मैनेजर विल फॉल इनटू रेवेन्यू सेंटर। उसका काम है आवन दे रेवेन्यू आवन दे, जितना वो अच्छा मार्केटिंग करेगा उतना मेरे प्रोडक्ट का डिमांड करेगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, है कि नहीं? सो क्या कर रहे हैं अपन लोग, सेकंड क्या है मेरा? रेवेन्यू सेंटर। सेकंड है मेरा रेवेन्यू सेंटर। समझी गुड़ू एवरीबॉडी, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। रेवेन्यू सेंटर में कौन सा डिपार्टमेंट आएगा?
मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसे यहां पे था मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, करेक्ट करेक्ट, फोड़ो जितना मार्केटिंग करके सेल्स ला सकते हो लाओ। सो यहां पे इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, बोलो बोलो चल चल, करेक्ट, इनिशिएटिंग इंक्रीजिंग एंड मॉनिटरिंग रेवेन्यू, इनिशिएटिंग इंक्रीजिंग एंड मॉनिटरिंग रेवेन्यू। ए समझी गुडू, अरे बोलो बोलो चल चल, थोड़ा ये मार्केटिंग एक्सपेंस पे भी ध्यान दे सकते हैं, बट फोकस है इंक्रीज द रेवेन्यू, इंक्रीज द रेवेन्यू। कौन है ये, कौन है ये, कैन आई से सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, अरे बोलो बोलो चल चल, यस सर, ओके। तो ये हो गया मेरा दूसरा, पहला था मेरा कॉस्ट सेंटर, दूसरा है मेरा रेवेन्यू सेंटर। अब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, करेक्ट, प्रॉफिट सेंटर। ये है आपके कंपनी का सीईओ, इसका रिस्पॉन्सिबल है कि वो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को देखे, और ना जैसे यहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू के पीछे पड़ा है, जहां पे परचेज मैनेजर है वो कॉस्ट के पीछे पड़ा है, इन दोनों को प्रॉपरली मैनेज करने का काम है प्रॉफिट सेंटर का। सो कैन आई से रेवेन्यू सेंटर और कॉस्ट सेंटर फंक्शनल काम है, फंक्शनल वालों का काम है, प्रॉफिट सेंटर डिविजनल, जैसे ईशो अंबानी और वो लोग का काम है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, कच्चा कच्चा। तो इनका काम क्या होता है, किसके ऊपर मैनेज करना है, कंट्रोल ऑन बोथ, इन लोगों को कंट्रोल रखना है किसके ऊपर, ऑन बोथ, ऑन बोथ, कंट्रोल ऑन बोथ। हाँ, कंट्रोल ऑन बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, फोन करके अब स्टेटस पूछ ले, ए संजीव, डन है डन है। सो इसमें दे आर असोस, बोलते हैं ना दे आर हैव टू मैनेज, दे हैव टू मैनेज क्या, बोथ, प्रोडक्शन एंड सेल्स, डन है डन है डन है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। एंड लास्ट 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 क्या है मेरा, अब देखो अंबानीज भी आ गए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी आ गए, अब लास्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए कौन रहे वो रिस्पॉन्सिबल, वो है हमारा सीएफओ, वो है हमारा सीएफओ। से फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रिलायंस जियो है, ठीक है, रिलायंस जियो है, या रिलायंस ट्रेंड्स है, चलो रिलायंस ट्रेंड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, अनंत अंबानी का एग्जाम्पल लेते हैं, बंदा सही है, बहुत क्यूट है। सो अनंत अंबानी है, अब अनंत अंबानी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था अपने एग्जाम्पल में, बच्चा अनंत अंबानी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था अपने एग्जाम्पल में, बोलो यार, बोलते क्यों नहीं, कैन आई से वो रिलायंस ट्रेंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कैन आई से वो रिलायंस ट्रेंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, राइट। अब सुनो, रिलायंस ट्रेंड्स के, अब रिलायंस ट्रेंड्स के है ना टोटल 10 आउटलेट है ऑल ओवर इंडिया, 10 आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया, इसका ओनर कौन है, अनंत अंबानी, अनंत अंबानी से 50 आउटलेट है उसके ऑल ओवर इंडिया। अब इंडिया तो इतना बड़ा देश है, तो इंडिया में कैन आई से और आउटलेट्स ओपन हो सकते हैं, द आंसर इज यस। तो अनंत अंबानी अब सोच रहा है मोर 100 आउटलेट सेटअप करे विद इन इंडिया, इन इंडिया, प्लस अंबानी है तो छोटा तो सोचेगा नहीं, वो सोचता है कि प्लस मोर 100 आउटलेट्स वो सेटअप करे, कहां पे, मोर 100 आउटलेट्स वो सेटअप करेगा आउटसाइड इंडिया, मोर 100 आउटसाइड सेटअप करेगा वो आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। तो से फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क में कर दिया, लंदन में कर दिया, सिडनी, मेलबोर्न, राइट, ये सब जगह पे भी उसको और अपना ये सब सेटअप करना है। अब क्या ये सब फोकट में सेटअप हो जाएगा कि इसके लिए पैसे लगेंगे, बोलो बोलो, क्या फोकट में सेटअप हो जाएगा कि इसके लिए पैसे लगेंगे, सर इसके लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, अरे कहाँ कमी है, रिलायंस ट्रेंड्स का ओनर अनंत अंबानी
को इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो जाएगा मुकेश अंबानी के पास। वो किसके पास जाएगा? मुकेश अंबानी के पास। किसके पास? मुकेश अंबानी के पास जाएगा। और वो जाके मुकेश अंबानी को बोलेगा कि पापा 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 मुझे ना इन्वेस्टमेंट करना है। बराबर है? तो मुकेश भाई बोलेंगे कि ठीक है बेटा, तेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, कर। किसने मना किया? पापा पापा मुझे ना 100 आउटलेट इंडिया में खोलना है और 100 आउटलेट आउटसाइड इंडिया में खोलना है। इसके लिए मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। इसके लिए मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। ये मैंने स्पेलिंग बराबर लिखा ना? कुछ गलत तो नहीं लिखा ना भाई? लोग स्पेलिंग बराबर है ना मुकेश भाई का? पूछ लो भाई, पूछ लो। बराबर। सो मुकेश अंबानी है हमारे। तो अब अनंत अंबानी जाता है और मुकेश अंबानी को कहता है के पापा पापा मुझे है ना 100 आउटलेट खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। बराबर है? पापा मुकेश अंबानी बोलते हैं बस, अरे थोड़ा छुट्टा निकालना तो, अरे ड्राइवर थोड़ा छुट्टा निकालना तो। बराबर है? ले भाई 100 करोड़ रुपए ले ले। बट ये 100 करोड़ रुपए देते वक्त छुट्टा, मुकेश अंबानी की भाई साहब की लैंग्वेज में तो छुट्टा देते वक्त मुकेश अंबानी बोलेंगे हमारे भाई को, अनंत अंबानी को, कि सुन, अब तू मेरे पास से इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, ये अपना पैसा नहीं है, ये शेयर होल्डर का पैसा है। तो अब जो ये इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है उसके लिए हमारे को तेरे पास से कुछ आरओआई चाहिए। तो वो बोलता है ओके सर, ओके पापा पापा, मैं इसके ऊपर 15% आरओआई लाके दे दूंगा। 3 साल के अंदर 15% एनुअलाइज्ड यील्ड आपको लाके दूंगा। पापा ने बोला ठीक है डन। अब 3 साल तक ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा, 100 आउटलेट है, वो 100 आउटलेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, उनके पास से पैसा आएगा, फिर वो पापा को जाके दे देगा। वो जो ड्यूरेशन है उसके लिए ये क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर। क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर। अभी अंडरस्टैंडिंग? अरे बोलो बोलो, चल चल। राइट राइट। तो पापा अपने जेब से 1 रुपया निकालेंगे, आई मीन 100 करोड़ रुपया निकालेंगे, दे देंगे और बोलेंगे ठीक है बेटा, तुझे इसका मुझे हिसाब देना है। अब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अलग से, बिजनेस जो चल रहा है, ये 50 आउटलेट का जो बिजनेस चल रहा है, वो चल रहा है, उसके लिए वो प्रॉफिट सेंटर है, उसके लिए वो प्रॉफिट सेंटर है। बट ये जो नया इन्वेस्टमेंट आया है, ये इन्वेस्टमेंट जब तक वो रिटर्न यील्ड नहीं कर देता है, तब तक वो इन्वेस्टमेंट सेंटर है। 3 साल बाद, 4 साल बाद जब ये इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न यील्ड करना चालू कर देगा, दीज आउटलेट्स विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट सेंटर्स, दीज आउटलेट्स विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट सेंटर्स। ए समझ गुरु एवरीबॉडी। सो यहां पे अब जो ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है, इसको आईसी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर है, इनको फंड को मैनेज करना है, इनको फंड को मैनेज करना है। सो यहां पे इनका फोकस है कंट्रोल ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड, और ये फंड्स इन्वेस्ट करके क्या लाना है? कंट्रोल ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड एंड इन रिटर्न गिव सेल्स प्रॉपर एक्सपेंसेस, कितना इनकम आया है, वो सब का हिसाब आपको देना है। जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो है मुकेश पप्पा को। यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है ये फाइनेंशियल बेसिस पे ही होगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट सेंटर हो। सो आपका जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, आपका जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है वो किस बेसिस पे होगा? आरओआई के बेसिस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी पढ़ना ही है, आरआई के बेसिस पे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बेसिस पे, यही सब बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा। ए समझी गुडू एवरीबॉडी। सो आपको एंश्योर करना है, आपको एंश्योर करना है क्या? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ए समझी गुडू एवरीबॉडी। इसी के साथ मेरा थियोरी कंप्लीट होता है, जो मुझे ब्रेक तक करवाना था। क्या आप लोग सब लोग को समझ में आ गया? एवरीबॉडी समझ में आ गया? मैं क्या पूछ रहा हूँ सुनो ध्यान से, समझ में आ गया? अब अगर आप लोग बोलते हो ना सर समझ में आ गया, तो मेरी गारंटी है वो कि याद पूरा रखवाना एंड तक, ये आपका भाई करेगा डेफिनेटली। ये अभी अपन लोग रिवाइज करेंगे, आप लोग एक बार लिख लोगे पूरी चीजें क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। 2-3 बार रिवाइज करोगे, समझ चुके हो, दिमाग में सेट हो जाएगा, ऐसा सेट होगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो?
स्टार्टअप फंडिंग भी कवर कर सकते हो तुम लोग इन्वेस्टमेंट सेंटर में, द आंसर इज यस। सो देखो इन्वेस्टमेंट सेंटर वापस से बताता हूँ, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर में समझो आपको एक्सपांशन करना है, तो कहना इसे बेसिकली आपको 100 आउटलेट नए ओपन करने हैं। तो अगर आपको ये नए 100 आउटलेट ओपन करने हैं, देन इन 100 आउटलेट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट आप जब करते हो, जैसे आपका अनंत अंबानी ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, क्या ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो किसके लिए कर रहा है? ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो किसके लिए कर रहा है? और आउटलेट ओपन करने के लिए। अब जब ये आउटलेट ओपन करेगा वो, तो क्या इमीडिएटली उसको वहां से कैश फ्लो आ जाएगा कि टाइम लगेगा थोड़ा? सर टाइम लगेगा। तो आज आपने इन्वेस्टमेंट किया है 100 करोड़ का, कहना इसे ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने को से 3-5 साल लगेगा अप्रोक्सीमेटली। इन्वेस्टमेंट कोई करते हो बड़ा एक्सपांशन के लिए, तो 5 साल का होराइजन रख के करते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो अभी आज इन्वेस्टमेंट किया है 100 करोड़ का, क्या पापा को चाहिए 15% ROI पर एनम? पापा ने बोला है बेटा 15% रिटर्न ROI दे देना तू। उसने बोला ठीक है पापा मैं दे दूंगा 15%, बट पापा मेरे को टाइम चाहिए। पापा ने बोला 5 साल का टाइम देता हूं। तो 1 साल सेटअप करने को लगेगा, 1 साल उसके ब्रेक इवन पे आने लगेगा, फिर 3 साल कहना इसे बहुत सारा इनकम अर्न करने को लगेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, कहना इसे उस पे ROI चाहिए 15% का ROI लाके वो दे देगा, साथ में वो जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो भी रिटर्न कर देगा, एंड फिर बाद में 5 साल के बाद वो अपने आप को एक प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट कर देगा। पर जब तक प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट नहीं किया तब तक उसको 15% का ROI कन्फर्म लाके ही देना है, करेक्ट? टिल दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर। समझ में आ गया एवरीबॉडी? कच्चा यस और नो? सो यहां पे जो भी आप फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना एक्सपांशन के लिए, उसका सेल्स एक्सपेंस इनकम आपको ध्यान रखना है, ताकि आप उतना डिजायर्ड ROI ला सको। और वो तब भी पॉसिबल होगा जब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे एसेट्स खरीदा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, तब भी वो पॉसिबल है। क्या समझा आपको? यस एवरीबॉडी, यस चार्ली पटेल, क्लियर है? तो इधर तक सब लोग को सब चीजें एकदम दिमाग में सेट हो गई है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब आपको समझ में आ गया है? मनीषा जी आपको समझ में आ गया है? अरे नहीं नहीं चलो ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट है। ओके सो टाइम फॉर अस टू क्विकली रिवाइज और फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इज नॉट जियो ओनली अ प्रॉफिट सेंटर और ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट सेंटर एट द सेम टाइम? गुड क्वेश्चन मनोज कुमार। जियो एक प्रॉफिट सेंटर भी है और एक्सपांशन के लिए वो इन्वेस्टमेंट सेंटर भी है। चलो 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 चालू 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 आर वी क्लियर एवरीबॉडी? फटाफट अभी ये चार रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी अपन लोग ने कर लिया है, चारों चारों अपन लोग ने ये भी कर लिया है। तो अगर मेरे को इसको क्विकली डिवाइड करना है, इसको फटाफट अगर मेरे को रिवाइज करना है और फिर एक ब्रेक ले लेंगे अपन लोग, फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे इसको तुम लोग को लिखना है एंड प्रेजेंट करना है। सो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन लोग? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। किसके लिए कर रहे हैं अपन लोग ये सब? कंपनी एंड एम्प्लॉय के लिए। उनको अपन लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेसिस पे। और आज अपने को पहुंचना इधर फाइनेंशियल फैक्टर्स पे, ROI आ रहा है और EVA के पास। बट उसके लिए क्या बोला कि बिजनेस आज की तारीख में कैसा हो गया है? डिसेंट्रलाइज, और काम मेरे को डेलीगेट करना पड़ेगा तो बीच काम हो पाएगा।
तो बीच मैं बड़ा हो पाऊंगा, राइट। और जिसको मैं डेलीगेट कर रहा हूं मैनेजर्स को, उसका काम है कलेक्ट समराइज एंड रिपोर्ट करके मेरे को सारा इंफॉर्मेशन देते रिलेटिंग टू रेवेन्यू कॉस्ट एंड एसेट्स ऑफ द फर्म। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरे को सेटअप करना पड़ेगा ताकि रूल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाए लोगों में, जिसके लिए चार सेटअप किया गया। एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर, वन प्रोडक्ट वन पर्सन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एक ही के पास, दूसरा फंक्शनल जहां पे अपन लोग का एक प्रोडक्ट है बट मेनी पर्सन मैनेजिंग इट, बिजनेस डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे जो फंक्शनल पीपल है स्पेशलिटी एंड स्किल के बेसिस पे, तो मार्केटिंग फाइनेंस एडमिन के बेसिस पे ये काम होता है। फिर बाद में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे अपन लोग ने एग्जांपल लिया रिलायंस जियो, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, आनंद अंबानी, तो वो लोग फिर उसको फंक्शनली और डिवाइड कर लेंगे। एंड देन फाइनली अपन लोग ने देखा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पे इंटरनली अलग अलग डिविजन अलग अलग जो है वो एक दूसरे का यूज करते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम सेटअप करते हैं ताकि स्पीडी डिसीजन एंड रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स हो जाए। इसके बाद अपन लोग ने ये जितने भी लोग हैं इन लोगों को चार जगह पे डिवाइड करेंगे, या तो वो कॉस्ट सेंटर का पार्ट बनेंगे जिसका काम है सुपरवाइज, एलोकेट, सेग्रीगेट एंड एलिमिनेट अनवांटेड कॉस्ट, जो डिपार्टमेंट खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। हाउ विल दे डू दैट? बाय इंश्योरिंग मिनिमम कॉस्ट विद बेस्ट क्वालिटी, ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर मेरा आ गया रेवेन्यू सेंटर, जिनका काम है इनिशिएटिंग, इंक्रीजिंग एंड मॉनिटरिंग रेवेन्यू, और देखना है उनका सेल्स डिपार्टमेंट के जितना वो रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। फिर आया प्रॉफिट सेंटर, कंट्रोल ऑन बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम होता है कि आप इन्वेस्टमेंट लो, इन्वेस्ट करो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लाके दो बिजनेस से, एंड देन फिर उसको एज अ प्रॉफिट सेंटर आगे रन करो। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। इतना सब आप लोगों को पूरा आई होप समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन लोग एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्यों ना तब तक आप लोग फटाफट इसको लिखना है लिख लो। बट आप लोग को और एक चीज मैं बताऊं, अगर अभी आप लोग एक ये ओपन करते हो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो आप लोग देखोगे ये सारी चीजें जो मैंने अभी आप लोग को बताई है वो आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टॉप मैनेजमेंट, कलेक्शन समराइजेशन रिपोर्टिंग, जहां पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट रेवेन्यू एसेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्ग स्ट्रक्चर में डिवाइड किया, चार ऑर्ग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, फंक्शनल, ये रहा आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, चार रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। एक समझिगड़ो एवरीबॉडी, बोलो बोलो, चल चल, शाबाश, चलो डन 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 डन। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।